सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखना नल सेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं। नल सेट, वाइड सेट, ये इसको बोलते हैं एमपीटी सेट, ठीक। इसका जो नोटेशन है, नोटेशन मीन्स निरूपण जो इसका है, ये तो कर्ली ब्रैकेट, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, या ठीक। कभी कभी क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ये दे देते हैं, ये एमपीटी सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फाइव एलिमेंट है, समझ रहे। तो कहीं भी अगर ये मिलता है तो इसको एमपीटी सेट मत समझना, या तो सिंगल ये होगा या फिर ये होगा, तभी इसको हम एमपीटी सेट कहें। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ए स्टूडेंट वो स्टडी इन क्लास 9th and 12th। पॉसिबल है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 11वीं और 12वीं में इकट्ठा ही पढ़ रहा, तो कैसा सेट हुआ ये? एमपीटी सेट हो गया ना, है तो नहीं कुछ इसमें। दूसरा, x such that x belong to input and x is a natural number, बताओ कैसा सेट है ये? x ऐसा है कि x एक और दो के बीच में तो लाई करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि x क्या है? नेचुरल नंबर। क्या कोई नंबर एक और दो पॉसिबल है? तो क्या सेट है ये? ये भी एमपीटी सेट है। क्या हम लिखते हैं? x such that x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड x इज ए रियल नंबर, बताओ क्या पोजीशन है? ये कैसा सेट? क्या कोई x ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -4 आ जाए? पॉसिबिलिटी है नहीं, तो कैसा सेट है? एमपीटी सेट हो गया ना, तो बहुत से सेट बना सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ सच पर्सन हु हैव 5 lakhs, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें ऐसे आदमी रखे जाएं जिसके 5 कामयाब हो, क्या सेट है वो? वो कैसा सेट है? क्लियर हो गया आपको? चलो अब मुझे एक एक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी ऐसा सेट सोच के। क्या किसी कक्षा में अच्छे और बुरे बच्चे होना, वो अगर एक बात कहे कि अच्छे हैं या बुरे हैं, वो वेल डिफाइंड सेट तो है नहीं, लेकिन बच्चे तो हैं उसमें, तो एम्पैथी तो होने का नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कक्षा में बच्चा है कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
में भी कोई ना कोई होगा। तो आप इसका कंसेप्ट समझे, एम्प्टी सेट का मतलब अगर कहीं आपको मिलेगा, अभी बुक्स देखो अपने, देखो इसके एग्जांपल में देखो जो भी दिए गए हैं, परिभाषा डेफिनेशन एक बी दिया हुआ बी, आओ आगे इसमें पेज नंबर 7 इस बुक में, तो एम्प्टी सेट वाला हेडिंग खोल लो, समय तो चला ही रहा, बैठ जाओ। एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, और एक्स ए क्या है, परिमेय संख्या है, बताओ। इसने कहा बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर, बताइए क्या ये एम्प्टी सेट है? क्यों ठीक है, जबकि ये रूट टू क्या है, रेशनल है, समझ रहे नहीं? तो ऐसा कोई रेशनल है ही नहीं जिसका स्क्वायर टू आ जाए, एक ही रेशनल नंबर तो है रूट टू, लेकिन वो हो गया रेशनल, तो इसलिए क्या हुआ, ये भी एम्प्टी सेट आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला, ये भी देख लो कि क्या कह रहा है, एक्स इज दैट एक्स संख्या दो से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, क्या कोई संख्या ऐसी है दो से बड़ी, एक तो सम हो, इवन नंबर हो और अनडिविजिबल हो, या कहूँ कि एक तरह से वो प्राइम नंबर हो, पॉसिबल है ऐसा? टू के बाद पहला जो फर्स्ट इवन नंबर आता है कौन सा आता है, फोर डिविजिबल बाई टू, उसके बाद सिक्स है डिविजिबल टू एंड थ्री, एट है डिविजिबल बाई टू, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो सेट कैसा हुआ, एम्प्टी सेट, नल सेट, या उसको कहेंगे हम वाइट सेट। बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट, एक तो हमारा होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है, और एक होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें जो अवयव होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल कह दो, क्या होते हैं, काउंटेबल, यानी कि वो काउंट किए जा सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, वो काउंट नहीं किए, ठीक है। इसमें का एग्जांपल ले सकते हैं, एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 डैश डैश लगा के अगर मैं 100 तक भी लिख लूँ तो हमें पता है कि कितने हैं इसमें, 100 है, और यहीं पे ही 1 2 3 डॉट 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 करके इसको छोड़ दूँ तो दैट इज इनफाइनाइट सेट एंड इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर इनफाइनाइट, ओके। जहाँ भी कोई चीज़ समझ ना आए तुरंत टोक देना, शर्म नहीं करनी, शर्म इसलिए नहीं करनी, ना तो ना आपका कुछ लगता ना मेरे कुछ लगता, स्टूडेंट और टीचर का एक संबंध है, और ये संबंध उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी हेजिटेशन हमें एक दूसरे के बीच ना रखें, क्योंकि अंतर्यामी मैं भी नहीं हूँ कि भाई आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हालांकि हम कोशिश करेंगे, जब नेक्स्ट डे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको पता लग जाएगा आप सीख रहे नहीं सीख रहे, लेकिन जो हेजिटेशन है, ये जो वर्ड है ना, ये हेजिटेशन, ये लाइफ खत्म कर सकता है अगर ये अपने अंदर रख गया। इन केस ऑफ स्टडी, खासकर पढ़ाई के मामले में, जहाँ पढ़ने जा रहे कोई चीज़ नहीं आई, पूछो सर समझ में नहीं आई हमें समझाओ, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार, समझ रहे, और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए,
क्योंकि मैंने कल बताया था इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो हेजिटेशन मत रखना, क्योंकि अगर यहाँ भी आप अपनी क्वेरी नहीं रखोगे, यहाँ भी नहीं पूछोगे, फिर कौन सा मंच मिलेगा जहाँ पे आप जाके पूछोगे कुछ? है कोई बताने वाला? पहली बात तो पीछे हम ग्रुप ही ढूंढने भारी हो जाओ, और आजकल डॉक्टर कुछ ज़्यादा चल रहा है, इंजीनियर वाले कम हैं, जो हैं वो बड़ी बड़ी फैमिली हो गए, जो सपने इंजीनियरिंग के आई टी आई देखते हैं वो बड़ी बड़ी फैमिली हो गई, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, वहाँ आप लोग जा नहीं सकते। अगर छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ टीचर में इतना टैलेंट नहीं है कि वो आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई कर सके आप, क्योंकि वहाँ भी वही पढ़ा रहे हैं जिनकी एज लगभग 35 के आसपास है फिलहाल, और उन 35 या 30 वालों एज ने वो कंटेंट पढ़ा है जिसमें कुछ दम है ही नहीं, समझ रहे? ये सेट रिलेशन फंक्शन जिसके 2-2.5 चैप्टर आपकी बुक्स में दिए हुए, हमारे पास तो आधी बुक थी अलजेब्रा की बुक जिसमें हमने पढ़ाया। और आपको बताओ, मैंने 2002 में आरडी शर्मा बुक सुनी है, कभी देखना आईआईटी जेई की, अब तो 2 बना दिए अलग अलग, एक ही आती थी, मैंने उस समय पढ़ ली थी 2003 में आरडी शर्मा पूरी पूरी मैथमेटिक्स, इसके लिए एमसीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने थे, क्वालिफाई भी किया और मैं एग्ज़ाम में वहाँ पे एमसीए करने नहीं गया। तो इसलिए क्वेरी कोई मत रखना मैथ्स में, बिल्कुल जो चीज़ नहीं आ रही उसे पूछो, इतना हो सकता है कि आपने कोई क्वेरी की मैं आज उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, नेक्स्ट डे डेफिनेटली इट विल बी सॉर्ट आउट, राइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको क्लियर हुआ? पूछना नेक्स्ट आप आता है। अच्छा ठीक है, इसको चर्चा कर लेते हैं। एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सेट का सर फाइनाइट इनफाइनाइट बताइए। X such that X belong to N and X is a even number. बताइए क्या हुआ? अब बात आती है इक्वल सेट। इक्वल का मतलब ये है, देखिए आपने एक तो पढ़ा है क्या नाम, समरूप त्रिभुज पढ़े, समरूप त्रिभुज और समान सम, दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं, टेंथ में पढ़े होंगे, क्या डिफरेंस है दोनों? हम एक तो पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल और एक पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसको बोलते हैं सर्वांग सम, जिसका ये होता है निशान भी और ये सम, सम त्रिभुज किसको बोलते हैं? नहीं, इनमें एक दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है आपका, एक त्रिभुज ये बोला आगे, ये समरूप हैं या सर्वांग सम है? एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा, इसको समरूप बोल लेंगे, सर्वांग सम बोल लेंगे, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, और सर्वांग सम किसको बोलते हैं? देखिए समरूप जिनका रूप समान है, समझो आप, हिंदी बहुत मदद करती है मैथ को समझने में, सम का मतलब समरूप बोलते हैं ना, जिनका रूप समान है, आकार की बात उसने नहीं, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, संधि विच्छेद करो, सर्वांग सम का जिसके सारे अंग समान हों, और ट्रायंगल में कौन कौन से अंग होते हैं? या तो एंगल होते हैं या होती हैं, सभी तो सारे अंग समान होंगे,
तो अगर सारे अंग समान है, यानी कि किसी एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर तथा इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं के बराबर है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम। और समरूप में सिर्फ उनके एंगल इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये समरूप हैं, क्योंकि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, देन इट इज कॉल्ड ओनली सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी यही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब बात हम सेट की करते हैं, दो सेट कब इक्वल होंगे, एक सेट ए है एक सेट बी है, जो जो खजाना इसके पास है वही खजाना इसके पास हो। अगर वायदा में ऐसा हो गया कि एक दो का भी कम ज़्यादा रहेगा तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसमें एलिमेंट ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी होने चाहिए। यहाँ कह रहा कि ये अल्फा बीटा अगर गामा है तो इसके पास भी अल्फा बीटा गामा है। दैट इज इफ एक्स बिलोंग टू ए, यदि एक्स ए का सदस्य है, इंप्लाइज इंगित करता है या तात्पर्य है क्या कि एक्स बी में भी होगा, ठीक है। एंड एंड एक्स बिलोंग टू बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ए में है तो बी में भी होगा और एक्स अगर बी में है तो ए में भी होगा, ठीक है। ये से कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए, बोथ साइड इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ऐसा है तो ऐसा भी होगा। इसका मतलब है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, सिंगल। इसको भी समझना, ये बहुत जगह आएगा। इसको बोलते हैं इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, ये इंडिकेट करता है या ये कहता है या इसका तात्पर्य क्या है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। समझ रहे इक्वल सेट, दो सेट मैंने अब लिखता हूँ ए बी सी और वन टू थ्री, क्या ये इक्वल सेट हैं? हैं? नहीं है। दूसरा एक सेट लिखता हूँ मैं ए बी सी, दूसरा मैं लिखता हूँ बी ए सी, एक लिखता हूँ सी ए बी, क्या तीनों सेट में कोई डिफरेंस है? ये सेम है, सेम है। हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैव नो वैल्यू, अंडरस्टैंड। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, कौन सा पहला आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमें कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं अलग अलग हम इसको मान ले। दूसरी चीज़, अगर सपोज करो कोई सेट ऐसे है ए ए बी सी बी सी, एक सेट ये है और एक सेट आपका ये है, इनमें से कौन सा सेट बड़ा है? ये वाला, ठीक है। नंबर रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो एलिमेंट एक बार दे ले चाहे वो 1000 बार दे ले, वैल्यू उसकी उसकी औकात वहीं की वहीं रहेगी जितने उसकी शुरू में थी। तो इन चीज़ों को अपना ध्यान रखना। होमवर्क में नोट कर लो, ये एग्जाम्पल 7। मिल गया, इसमें ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। मिल गया क्वेश्चन, ये होमवर्क का काम है आपको।
नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम फ्लैट, ठीक है, क्या बोल लेंगे इसको, सबसेट। सबसेट कहते हैं जिसको, हैं सब मैंने होता है छोटा, इसको बोलते हैं दो मीनिंग है सब का, मतलब इंस्पेक्टर मैंने इधर होगा, सब इंस्पेक्टर मैंने छोटा इधर होगा, या इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं निरीक्षक, और सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक, समझ रहे, तो सब जो होता है हमारा ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपसर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीफिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब उप। अगर सेट को हम तोड़ दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तो उससे हमारे बनते हैं सब सबसेट। अब सबसेट क्या है, अगर हमारे पास कोई सेट ए ये है, इतना बड़ा ये सारा हमारे पास एक सेट, ठीक है, इसमें से कोई सा भी टुकड़ा ले लो आप, इतना बड़ा ले लो या इतना ले लो, कुछ भी ले लो, ये जो चीज़ें हैं सारी सारे क्या हैं, ये इसके सबसेट। अगर इसमें से कुछ अगर सारे को ले ले, तो वो भी एक इसका सबसेट भी हो सके भाई, खुद को अगर सारे को ले रहे वो सभी हम सबसेट कहेंगे, ठीक, और इसमें से कुछ भी नहीं ले रहे उसको भी सबसेट कहेंगे, दो नए सबसेट हैं इस तरह से, ये मतलब क्या कहते हैं जेनेटिक है, ये अपने आप आएंगे, जब हम किसी का सबसेट बनाएंगे तो दो सबसेट हमें आराम से मिलेंगे, एक को एम्प्टी सेट फाइव आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका मतलब है जब हम कुछ भी नहीं ले रहे थे तो अपने आप का पता जाएगा, दूसरा अपने आप में जब हम पूरे को ले लेंगे यूनिवर्सल बोलते हैं जिसको, यानी कि सारा का सारा। अब किस तरह के सबसेट होते हैं, मान लिया हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, एक सेट है, अब इसके सबसेट लिखते हैं हम कहाँ तक आजाद हैं, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, शुरू में स्वागत इसका कर लिया बोलो, सबसे छोटा तो यही है, ठीक है, 1 2 है ये भी सबसेट है, 2 3 है या 1 3, ठीक, 1 3 लिख दूँ या 3 1 एक ही बात है, और एक स्वयं भी आ गया, तो सारे के सारे क्या हो गए इसके सबसेट, ठीक है, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट कितने थे, 3, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है 2 की पावर n, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके बनने वाले सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, मान लिया किसी में 4 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने होंगे, 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, उसके 16 सबसेट बन जाएंगे, पाई होगा तो 32 बन जाएंगे, ये थोड़ी मैंने आगे की चीज़ बता दी, लेकिन जो हेडिंग है वो ये चीज़ नहीं बता रही, वो चीज़ ये बता रही कि मान लिया ये ए है, इसका कोई सबसेट मान लिया एक्स नाम हम इसको दे दें, तो उसका नोटेशन क्या होगा, एक्स सबसेट ए, ऐसे लिखते, ठीक है, यानी कि इस ये सारा का सारा इसके पेट के अंदर हजम है, नोटेशन एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, एक्स उप समुच्चय है ए का, जितने भी छोटे छोटे पीस लेंगे, या मैं ये कहूँ इसको छोड़ करके सारे के सारा प्रॉपर सबसेट है, क्या है ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्यों कहा गया, प्रॉपर सबसेट इसलिए कहा गया ये वास्तव में सारे इससे छोटे हैं, उस वाले से जो इटसेल्फ की बात कर रहे हैं उससे तो छोटे हैं, अब भाई इनने शब्द तो छोटा लगा दिया कि उप सबसेट है, इसे क्या सबसेट कहते हो, अच्छा लग रहा, इसलिए इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बाकी हैं सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है, यानी कि प्रॉपर छोटे हैं इससे, समझ रहे, तो जब आप पढ़ोगे बुक्स में तो आपको वहाँ मिलेगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर अकेला यही एक इम्प्रॉपर सबसेट है, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें एडिंग में कुछ होगा, अगर सेट की फॉर्म में बताएं, अगर हम लिखें कि ए सबसेट बी दैट इज
एक्स बिलोंग टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। समझ रहे? हमने कहा कि इफ ए सबसेट बी का है और यदि हम कोई एलिमेंट एक्स ए में है तो क्या वो बी में नहीं होगा? ये सेट बी है, ये सबसेट इसका ए है, हमने कोई एक्स एलिमेंट ए में ले लिया तो ये ऑटोमेटिक बी में भी तो है, बस वही मैथड है। ठीक है, इसी टर्म को ए सबसेट बी और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? बी सुपरसेट ए, ये तो हम इसको बोलते हैं ए सबसेट बी, या इसी को यही हम अगर बोल सकें तो बी सुपरसेट ए। सुपर का मतलब इससे बड़ा है ए से, यानी कि ये जो साइन है सबसेट का है और ये साइन क्या है? सुपरसेट का। जैसे ये साइन लेस देन का छोटे का और ये साइन बड़े का होता है, बस इतना ही समझना आपको सुपरसेट का होता है। आपको एक मिनट तक इसकी जो हेडिंग है ये है इंटरवल एज सबसेट ऑफ पार, ये तो होमवर्क में दिया था ना, पढ़ो एक मिनट। कौन से
पढ़ लिया क्या समझ में आया बताइए। ना तो सुनकर कोई फोन आया नहीं फिर मैसेज नहीं किया मतलब ना तो आपका या मतलब ना ही होगा या मतलब दिक्कत हुई डाउन मामला है जी। बाकी मैं चलो कोई नहीं मैं पता करके बता दूँगा जहाँ तक रूट थे मैं देखता हूँ पता करके उसी का जो 24 फुट फ्रंट है वो जो 20 हज़ार मैं देख इम्पोर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि आगे आपको जो मिलेंगे सेट वो इसी फॉर्म में मिलेंगे ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। इसमें क्या है कि जैसे अगर हम सपोज करो इसमें हमारे पास एक सेट है कैसा वाई का सच दैट वाई बिलोंग टू ए एंड ठीक है और वाई क्या है रियल नंबर
एट भी कैसा है, ये रियल नंबर का है और वाई एक रियल नंबर है। तो ये क्या है, ये एक सेट है ठीक। इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं? इंटरवल में जो आता है उसका नोटेशन ये होता है, या उसमें बड़ा ब्रैकेट आता है या छोटे ब्रैकेट, वही ब्रैकेट आएंगे समझे। जो सेट वाला है सेट फॉर्म में तो लिख दिया, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, अगर मैं एक रियल लाइन ले लूँ ठीक है, तो ये वाई है, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूँ, इस पॉइंट को बी कह दूँ, तो वाई सारा ये हो गया ना, वाई की सारी वैल्यू ये होगी। लेकिन इसने कहा वाई जो है लेस देन बी है, बी के इक्वल नहीं है, तो क्या बी इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसी आधार पर हमारे चार तरह के इंटरवल हैं, इन्हें आप ग्राफिकली वैसे भी देख लो, इनको लिखना कैसे है। पहले अगर मैं ये, अगर डॉट खाली है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड पार्ट है ये वाला आएगा, बीच बीच वाला, ये इसमें शामिल नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये वाई है कि वाई ग्रेटर दैन एस ठीक, ये एक तरह से इसकी सेट फॉर्म होगी। कैसे लिखेंगे इसको, सेट फॉर्म होगी और इंटरवल में इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है, इधर भी छोटा ब्रैकेट इधर भी बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, और इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें एंड वाली चीज़ें शामिल नहीं। दूसरी कंडीशन y की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, इसका मतलब y समझ रहे आप, यानी कि जो साइन लेस लेस के लगे थे वो लेस देन इक्वल टू आ गया, यानी कि इक्वल भी है इसमें, अब a भी शामिल है और b भी शामिल है। इसको हम नोटेशन ऐसे करेंगे a एंड b, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल ठीक है, या तो ओपन इंटरवल है टोटली या टोटल क्लोज इंटरवल है। तीसरी कंडीशन क्या है, इधर से हो सकता है ओपन हो और इधर से क्लोज, तो सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, ए लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू बी, इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इधर से तो ओपन है और इधर से क्लोज, इसका नाम हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज ठीक है। इसमें शामिल चीज़ें कौन सी रहेंगी, ये यहाँ से। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी, इधर से बंद हो और ये खुला रहे, यानी कि वाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आएगी। नोटेशन में लिखेंगे इसको ए लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन बी, और नोटेशन होगा इसका ए क्लोज और बी ओपन, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इसे नोट।
11th में पढ़ाया गया था नहीं ये चीज़ें शुरू में वही चलाऊंगा यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री जो खास कर तो मतलब जो लगता है ना आसान है वो चीज़ें पढ़ाए दी जाएंगे इतने में फिर छुट्टी पड़ गई या पेपर आ गए छोड़ दो सारी ज़िंदगी में देखने के लिए और कभी कभार अपने आप अगर लेगा बैठोगे तो समझ में नहीं आता बोर हो जाए आदमी ये और इस टॉपिक्स को पढ़ाने से टीचर भी बचते हैं इसमें दिमाग का यूज करना पड़ता है इसमें तो इतना है नहीं आगे जब रिलेशन फंक्शन पढ़ोगी अच्छा सबसेट पढ़ लिया हमने अब एक आता है पावर सेट बताइए हिंदी में बोलते हैं घात समूह के बीच में बोलते हैं घात समूह सेट ऑफ ए सेट ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट आया एक ऐसा समुच्चय जो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो और हमने एक सेट लिया था 1, 2, 3 इसके हमने सब सेट बनाए कौन कौन से थे इसके 5 था 1 था 2 था 3 था 1, 2, 2, 3 1, 3 या 3, 1 जो भी लिख लो उसको ये इतने सारे अगर इन सबको इकट्ठा कर दूँ तो ये जो सेट बना है ये पावर सेट क्लियर यानी कि एक ऐसा सेट जो किसी दिए हुए सेट के जितने भी सब सेट हैं उनको मिला के जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है पावर सेट अब मुझे बताइए इसके पावर सेट में कितने मेंबर होंगे इसमें 8 समझ गए यानी कि किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ मेंबर इज 2 की पावर n
वही है ना, जितने सब सेट बनेंगे उनको सबको इकट्ठे करा देंगे, वो सारे उसके मेंबर होंगे। अब चलते हैं हम आगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगल शेप का होता है जिसको अमूमन हम यूनिवर्सल सेट बनाया जाता है। जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको रेक्टेंगल शेप में लेते हैं, बाकी जो सेट होते हैं उनको हम सर्किल की फॉर्म में कहीं भी बना सकते हैं। इनके नाम ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंजीनियरिंग में, तो है ही है। आगे कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, इसकी मदद से बहुत गलती हो जाती है। रीजनिंग के जिन क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत मोटे मोटे रूल यूज़ करने पड़ते हैं ना, याद रखने पड़ते हैं, तभी अगर आपने क्वेश्चन, आपने तो देखा नहीं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गिलहरी हैं, कुछ गिलहरी ये हैं, तो बताओ कितने कुत्ते बिल्ली हैं, है ना। अगर उनके रूल पढ़ोगे ना दिमाग ख़राब हो जाएगा, और वेन डायग्राम से तुरंत हो जाते हैं। तो थोड़ा इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अपने दैनिक जीवन के लिए भी। अब हम इनमें पढ़ेंगे सम ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है, बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से पढ़ेंगे नॉर्मली। कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस क्या हैं हिंदी में, तो उनको बोलते हैं संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। क्या क्या होता है समुच्चय, क्या समुच्चयों को हम जोड़ सकते हैं? देखिए, जो सेट होता है सेट को घटाया जा सके, जोड़ा नहीं जाता। जैसे अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर में हमने जो चीज़ें पढ़ी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये चार ऑपरेशन पढ़े ना, ठीक है। सेट्स में हमारे कुछ जो ऑपरेशन आएंगे उनमें से एक तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, सम, ठीक है, और एक होता है ये, इसको बोलते हैं सार्वनिष्ठ। शायद हिंदी में पहली बार सुन रहे होगी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब संघ हमने बताया, यानी कि इकट्ठा रहना, जोड़ना। जैसे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो है राज्यों का संघ है, सभी राज्य जुड़ गए तो भारत बना हुआ है, या कोई अलग से भारत का कोई अस्तित्व है। तो यूनियन जब वर्ल्ड आएगा, यानी कि जिन जिन सेट के बीच यूनियन लगाएंगे उन सबको हम जोड़ देंगे, उनके सारे एलिमेंट उनके हम इकट्ठे कर लेंगे। कैसे, एक सेट हमारा है ए बी सी, एक सेट हमारा है बी, 1 2 3, यहीं पर हमने 1 2 3 इसके साथ ए और ले लेते हैं, ए और वन। अब मुझे बनाना है ए और बी का यूनियन, तो इसका मतलब इसमें 1 2 3 ए बी सी ये जो तैयार हुआ मसाला, ये आपका है यूनियन, ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे इसको, ए यूनियन बी, ए संग बी, और इसमें इसके सारे एलिमेंट इकट्ठे हो। इसी के साथ अब चलते हैं सार्वनिष्ठ पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर मैं यहीं पर करूँ ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करना, इसलिए घर में आया लगा देना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पढ़ा तो होगा, इंटरसेक्शन संधि विच्छेद, विच्छेद करना किसी चीज़ को, तोड़ना। लेकिन वहाँ यहाँ तोड़ना नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना ही है कि दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी इंटरसेक्शन में वो आ जाएगी। दोनों में कॉमन क्या है, ए। भाई साहब ए इसलिए स्थापित किए तुमने यहाँ पे, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी एक से समझ में आती,
समझ गए यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। वेन डायग्राम में आ जाइए, लिखने की जरूरत तो नहीं थे। नाउ कम ऑन सर, उसमें पाई भी तो एक कॉमन होता है तो पाई के रिलेटेड। नहीं नहीं अभी एक मिनट रुको, ए बराबर ए बी और बी बराबर वन टू, ठीक है। हमने क्या लिखा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। फिलहाल तो क्या है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट अभी आपको कोई बात नहीं है, ए और ठीक है नहीं वन टू, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जा ए आया, ए आया ठीक, फाइन। इंटरसेक्शन बी ए सेट आया, और क्या आया बताना, फाइव भी आएगा, ठीक है। अगर फाइव अलग से हम लिख रहे हैं इससे लाभ तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर डेसिमल पॉइंट फाइव लिख लो, पॉइंट फाइव, और इसके आगे कितने भी जीरो लगाते चले जाओ, क्या आपसे सॉल्यूशन मिलेगा? ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी अपने हिसाब से यूज करेंगे हम। अभी हो जाएगा ए येलो, अब है इसकी वैल्यू, समझ रहे आप, अब आ गया ये। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अर्थमेटिक में जो मतलब जीरो का होता है, जीरो का मतलब क्या होता है पता ही, क्या होता है जीरो, जीरो किसे कहते हैं, मीनिंग क्या है जीरो का, नथिंग, कुछ नहीं। या नन ऑफ द थिंग, चलो इंग्लिश में तुम समझो ना समझो, लेकिन हिंदी में समझ लो आप जीरो का मतलब क्या है। जीरो का मतलब होता है कि एक भी नहीं, क्या होता है, कुछ भी नहीं, जो हम बोलते हैं ना ये गलत है, समझ रहे। अब मैं कहूँ मेरे हाथ में कितनी चौक हैं, अब कितनी चौक हैं, अब कितनी हैं चौक, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। जीरो का मतलब एक भी नहीं, क्वेश्चन ही हम अधूरा पूछ लेते हैं। तो फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं क्यों, कुछ भी नहीं तो इसका इसका अपना वैल्यू है इसकी, कभी आगे इतना परेशान कर जाएगा, बहुत अच्छा है। क्यों पता क्या है, जब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दें, इसके सबसेट बनाओ, ठीक है, चलो ये भी होमवर्क में नोट कर दो, इसके सबसेट लिखना, हाँ वेन डायग्राम लिख लिया, वेन डायग्राम कर। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी, ये ए है और ये बी। अगर ए यूनियन की बात करूं तो ये सारा का सारा इतना पार्ट क्या है, यूनियन, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए यूनियन बी, इसी के साथ ए बी है, ए यूनियन सेट हो रहा। अगर ये वाला सेट That is common part only. It is called A intersection. Clear हुआ? इसी के साथ अब सब सेट में समझ लो, ये A है ये B है, A B. This part is called A minus B. ठीक, क्योंकि मैं इसलिए तारा कल भी समझाऊंगा आपको सिंपल टाइप से सेट लेके, ताकि आप कंफ्यूज ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड
थ्री माइनस ठीक। अगर ये सेट ए है तो ये सारा जो पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए डैश से या ए के ऊपर सी लगाएंगे ठीक, या इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ, कंप्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का पूरक समुच्चय, पूरक संपूरक और कोटिपूरक कोण पड़े हैं, कोटिपूरक संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल ये होंगे, ये बोलते हैं एक तो कोटिपूरक होता है संपूरक, एक कंप्लीमेंट्री होता है सप्लीमेंट्री। ये एंगल अल्फा और ये बीटा दोनों एंगल का सम तो 90 डिग्री हो ठीक, तो अल्फा बीटा का कम्प्लीमेंट है, बीटा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि कोटिपूरक कोण है, और दो एंगल का सम 180 हो ऐसा कोई एंगल बन रहा हो, यहाँ अल्फा है और ये बीटा है, दोनों का सम तो हो 180, तो अल्फा बीटा का सप्लीमेंट्री है, बीटा अल्फा का सप्लीमेंट्री, यानी कि अल्फा बीटा का संपूरक और बी अल्फा का संपूरक। इसी तरह इसमें ये इसका संपूरक और ए का संपूरक क्या हुआ ये, और इसका संपूरक क्या हुआ ये, इसलिए ए डैश डबल डैश इक्वल टू ए ही आ जाता है। ए का कम्प्लीमेंट कौन सा गया, इसे छोड़ेगा बाकी सारा, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसे छोड़ेगा बाकी सारा, क्योंकि तो वही ए नहीं आ गया ठीक है। तो कल का जो आपका होमवर्क रहेगा, ये जो वेन डायग्राम वाला पोर्शन है, यानी कि कल आप सेट्स को पूरा पढ़ गया है, कल सेट को बन गया ठीक है, तो पढ़ गया हूँ पेपर पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखो, छोटे से पेपर ले, देखो आप लोग मेहनत करके पढ़ाएंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, और जो आप टाइम पास कर रहे होगे फिर मैं दो तीन चार दिन क्लास चलेंगी फिर अपना मौज मार लूँगा, क्योंकि जितना गोल्डन चांस आपको यहाँ पढ़ने का मिला ना नहीं कहीं नहीं है पॉसिबल कहीं, अगर आपको आइडिया हो 11th और 12th की ट्यूशन का क्या रेट है मैथ्स की, अगर घंटा घर से पता चले गए ना 1800 रुपये फीस है मैथ की, इंग्लिश फीस नहीं और 1000 रुपये हिंदी मीडियम समझ रहे आप, और पढ़ाएंगे क्या आपको सर की सर के ईमानदार से, अच्छा तुम बताओ स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं ट्यूशन भी कभी कभार ये पढ़ी हो तो उसकी भी देख लीजिए, जितनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ाने वाला तो मेहनत करता है, सिर्फ टाइम पास करते हैं, और क्या ट्रेंड है जरा सा कंसेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बताएंगे तो क्वेश्चन करा देंगे, भाई क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से मैथ नहीं सीखा जाता, मैथ की प्रैक्टिस होती है। अब मैंने आज तक जितना पढ़ाया है कोई कंसेप्ट ऐसा लगा जो बिल्कुल ओल्ड हो, अब जब घर जाकर आप इसको सारे को रिवाइज करोगे, जितना कल पढ़ाया वो भी आज जो पढ़ाया वो भी, और जो ये तीन दिन में आपका सेट समाप्त हो रहा, इसे अगर ट्यूशन में लेके चले जाओगे ना तो कम से कम 15 दिन लगा देगा टीम में, क्योंकि उनका फिक्स है कि पूरे साथ पढ़ाया गया सिलेबस पूरा, तो थोड़ा समय दो मेरे साथ माशाल्लाह, जो टॉपिक मेरे से पढ़ लोगे उसमें तुम दक्ष हो जाओ निपुण हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई कहीं भी, और ऐसी बात नहीं लगभग 3-4 लेक्चर यहाँ प्रॉपर आईआईटी जेईई भी होंगे, फिर उसके बाद कोई सा भी मैथ पढ़ के देखना सेट रिलेशन का, हो सकता है क्वेश्चन समझ में आए क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग पैटर्निंग होती है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा कोई नहीं बचेगा जो आपके यहाँ अंदर ना जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा एनसीईआरटी से ज़्यादा कहीं भी कोई कंसेप्ट नहीं है, और जितना कॉन्फिडेंशियल ये है
पठाने को यहाँ आरटी शर्मा पढ़ाई जा सके, लेकिन हमारा मकसद यहाँ आरटी शर्मा पढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ है बेस अच्छा बना करके आपको सीधा इंजीनियरिंग तरफ ले गए। और देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आज की तारीख में कोई सा भी चाहे पब्लिक स्कूल ले लो चाहे हिंदी मीडियम ले लो, वहाँ 5% बच्चा अच्छा है, 95% तो रैंक पे चल रहा, उसमें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। एलेवेंथ ट्वेल्थ का बच्चा ऐसा है कि उससे टेंथ के मैथ के नहीं कुछ कंसेप्ट पता है, अच्छा जो 9th 10th के है वो 6th 7th 8th का मैथ नहीं कर सकता, सारी ज़िंदगी पढ़ते होते हैं जहाँ पर जैसे नंबर का नहीं पता, जैसे नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, अगर भी पढ़ मैं कहना हूँ भाई रूट थ्री क्या रूट फाइव को आप रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स कर पाते बच्चे, क्योंकि पढ़ाने वालों ने क्या है इसको सिर्फ एक बिजनेस बना दिया, पढ़ाने का वो नहीं होता शौक, अब पढ़ाएगा वही जिसको पढ़ाने का शौक। ये देख लो मेरे अंदर एनर्जी बहुत है पढ़ाने की, अगर आप इसका यूज़ करना चाहे ठीक है नहीं देखते हैं क्योंकि फोन पर कहाँ कम मिलना है, लेकिन ये एक बात है कुछ मौके जिंदगी जिंदगी में एक ही बार दोबारा नहीं होता, पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिट मेरा पढ़ाना इसलिए रहे कि आपको हिंदी में भी अवेलेबल इंग्लिश में भी अवेलेबल डेफिनेट, क्योंकि ठीक है आप मीडियम इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन कंसेप्ट आपके हिंदी में जाएगा अंदर कैसा भी हो कोई भी, ठीक है तो एक तो अपना रेगुलरिटी बना कर रखें। मोहित सागर कौन सा मोहित सागर छोटा लॉ जे क्योंकि देखिए जब मैं मेहनत करूँगा और आप लोग लापरवाही करेंगे ना फिर डांट भी खाओगे, मैं घर में पढ़ाता हूँ इसे बंद करती हूँ, मेरे पास जो बच्चा आता है मुश्किल से एक डेढ़ महीना पढ़ता है मतलब भाग जाता है। रीज़न क्या है पेरेंट्स लेगा आते ही बच्चा हमारा बहुत कमज़ोर से चलाओ, अब उसमें मैं मेहनत करूँगा सारी चीज़ें उसको बेसिक बताता हूँ सारी चीज़ समझाता हूँ, जहाँ चलना शुरू हुआ वो दूसरे को दूंगा